विधानसभा चुनाव से पहले परिवहन व यातायात पुलिस के अमले ने नेताओं के वाहनों का रुतबा कम करवा दिया। शहर के महामृत्युंजय द्वार, हरि फाटक, रिंग रोड सहित अन्य क्षेत्रों में आरटीओ टीम ने 52 गाड़ियों से हूटर हटवा दिए और 30 वाहनों से राजनीतिक पदनाम लिखी प्लेट उतरवा ली। आरटीओ संतोष मालवी ने हिदायत दी कि यह जगह नंबर प्लेट के लिए है, केवल वही मान्य है। कुछ ने कार्रवाई के दौरान ही रौब दिखाने की कोशिश की, लेकिन अमले की सख्ती के आगे किसी की नहीं चली। इन वाहनों पर 15,000 रुपए के चालान भी काटे गए। कार्रवाई के दौरान आरटीओ संतोष मालवीय की गाड़ी पर भाजपा नेता, मानवाधिकार संगठन व अन्य लोगों के पदनाम लिखी प्लेटों का ढेर लग गया। गाड़ी भरकर हूटर भी एकत्रित हो गए। अमले ने नेताओं को बताया कि किसी भी निजी गाड़ी में हूटर लगाने की पात्रता नहीं है। कुछ ने कहा कि हमें पता नहीं था, हटा लेंगे, लेकिन फिर भी अमले ने हूटर जब्त किए और चालान काटा। लेकिन उज्जैन के कृषि मंडी के अध्यक्ष बहादुर सिंह बोरमुडला आदेश आने के बाद भी अपनी गाड़ी पर हूटर लगाकर अभी भी रौब झाड़ रहे हैं। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश आए हुए चुनाव के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न प्रकार की जो प्लेट्स वगैरह हुए हैं, नाम प्लेट्स वगैरह हैं, बैनर्स लगे हुए हैं, बिना नंबर की गाड़ियाँ हैं, उन पर चालानी कार्रवाई की जा रही है और नाम प्लेट्स और नंबर प्लेट्स वगैरह निकाले जा रहे, हूटर निकाले जा रहे, सायरन निकाले जा रहे और ये कार्रवाई सतत चलती रहेगी जब निर्वाचन आयोग के आदेश आ जाए। वहीं सत्ताधारी भाजपा के नेताओं में नेम प्लेट को लेकर मानो होड़ सी मच गई है। पद भले ही तहसील या किसी छोटे प्रकोष्ठ का हो, लेकिन नेम प्लेट उससे कई बड़ी साइज की लगाने का ट्रेंड है। कार्रवाई के दौरान अधिकांश नेम प्लेट भाजपा नेताओं की ही थी। शहर तो ठीक, ग्रामीण नेता पुलिस चालान से बचने के लिए बड़ी नेम प्लेट टांग लेते हैं। इसी का रौब पार्किंग और टोल नाकों पर भी झाड़ा जाता है, लेकिन अब इनके इस रुतबे पर प्रशासन का डंडा चल पड़ा है।